हेलो कैसे आप लोग सभी के सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे IPS आरआरबी क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट को किस तरीके से कवर करना चाहिए, किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो इस कंप्लीट सेशन में आपके साथ IPS आरआरबी क्लर्क मेंस के 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि अब आपके पास सेक्शनल टाइमिंग होता है, इस बार से इंट्रोड्यूस किया गया प्री एंड मेंस दोनों में। इससे पहले आपको कंबाइंड टाइमिंग मिलती थी 2 घंटे, बट इस बार आपको 30 मिनट्स मिलेंगे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या हमारा एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अब देखो ऑलमोस्ट बच्चों का जो प्री का एग्जाम है वो कवर हो चुका है, सबका मेंस ही बच रहा होगा, क्योंकि अभी आपके एक महीने बाद आरआरबी पीओ मेंस होगा, फिर नेक्स्ट वीक में आपका आरआरबी क्लर्क मेंस होगा, और उसके नेक्स्ट वीक में आपका आईपीएस क्लर्क का मेंस हो रहा होगा। तो अब ज्यादा फोकस मेंस पे ही करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का 31 अगस्त को प्रीलिम्स का पेपर आईपीएस क्लर्क का, तो अभी आपके पास जो 2-3-4 दिन है आप अभी क्लर्क प्रीलिम्स पे फोकस कर लो, फिर आप मूव ऑन करना अपने मेंस के सेक्शंस में, ठीक है। फिलहाल इस सेशन में 30 मिनट में किस तरीके से 50 क्वेश्चन को अप्रोच करना है उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिना देरी के बढ़ते हैं मॉक टेस्ट पे। अभी आप लोगों के लिए टेस्ट बुक पे एक सेल चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको कि 1 साल का टेस्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा 527 में, और अगर आप कोड यूज कर लोगे VB आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, अपकमिंग 1 सालों में आपके पास जितने भी बैंक एग्जाम होंगे या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम होंगे, सबके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, मेंस के फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, या फिर आपके करंट अफेयर्स के क्विजेस सारे मिल जाएंगे। और साथ साथ पासबुक प्रो में क्या होता है कि आपके PYP पेपर्स मिल जाते हैं, मतलब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मॉक टेस्ट एक्चुअली मैंने स्टार्ट करा था, बट बाद में पता चला वो सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब सेक्शन टाइमिंग के साथ, इसीलिए मैं इसको रिज्यूम आपको दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला मॉक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट न्यू, ये आपका शायद से सेक्शनल टाइमिंग के साथ होगा, देखता हूँ। और अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए, आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब डेली इस चैनल पे डेली तो मैं देखता हूँ, बट आपके पास रेगुलर में इंटरवल में आपको मिलते रहेंगे मेंस के मॉक टेस्ट। पहले इंग्लिश चल रहा था, मेंस प्री चल रहा था, मेंस होगा। ये शायद सेक्शनल टाइमिंग है ना, सबमिट सेक्शन। मैं रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करूंगा, कंप्यूटर का अटेम्प्ट नहीं करूंगा, फिर अपने पास क्या आता है, इंग्लिश का भी नहीं करेंगे, क्वांट से करेंगे स्टार्ट। चलो पहला ही क्वेश्चन क्या है, DI का दिख रहा है, मतलब वो भी कैलकुलेट का, अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 तक बता रहे, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर से इस पर क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या, 315, 79, 595, 1107, 8। अगर मैं 315 और 79 में देखूँ तो 64 का डिफरेंस है, ठीक है। 19, 15 में से 9 गया तो 6, और 58 में से 7 गया तो 8 में से 7 गया तो 1, 216 है। 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से सॉरी 10 में से 9 गया तो 1, और ये 5, ठीक है जी। ये कितना है, 2107, कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें देखो जरा, 1107 से मैं सीधा सीधा 1000 दे दूँ तो मतलब 10 में से 7 गया तो 993 समथिंग है ये, और यहीं पे मेरे को लगता है गलती हो सकती है। कोई 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब तो 10 का क्यूब होना चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे 2107 कर दूँ, ठीक है, 10 का क्यूब करने से, तो क्या फिर 1200 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, तो 21 17 38 और 7 28 और 7 35, बिल्कुल सही है, मतलब 2100 मेरा रॉन्ग टर्म है। अब इसमें क्या बोल रहा है, रॉन्ग नंबर इन सीरीज 1 डिवाइडेड बाई 7 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नंबर इन सीरीज 2, ओके, मतलब 2100 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 300 है, ठीक है। अब सीरीज क्या चल रहा है, 521 से 665 जा रहा है, क्या ये 144 ऐड हो रहा है, ठीक है जी। 665, 14 में से 5 गया तो 9, 12 में से 6 गया तो 6, 7 में से 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर चल रहा है, एक बार 14 का स्क्वायर चेक कर लेता हूँ, क्या 196 ऐड करूंगा तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये अगर 12 का स्क्वायर है, ये 13 का और 14 का, तो यहाँ पे 11 का और यहाँ पे 10 का, तो 300 में अगर मैं 100 ऐड करूंगा तो 400, और 400 में 121 से 11 ऐड करूंगा, बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है मेरे से, बी का मान बताएं, मतलब ए अगर 300 है और ए प्लस बी 400 है तो बी की वैल्यू 100, ठीक है जी। एक बार मैं देख लो तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, देखो मेंस है इसीलिए मैं खुद को ऐड करूं, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे देख लेते, 1200 और 1188 क्या हो रहा है, माइनस का 12 हो रहा है, ठीक है, 88 12, अच्छा यहाँ पे तो और माइनस ही हो रहा है ना, 64, 8 में से 4 गया तो 4, मतलब 24 माइनस हो रहा है, 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 1 गया तो 4, 48 माइनस हो रहा है, मतलब 11 दुनी 12 दुनी 24 दुनी 48 हो रहा है, 6 का 6 और 11 में से 2 गया तो 96 माइनस हो रहा है, ठीक है जी।
10 में से 8 गया तो 2, 11 में से 2 गया तो 9 और 1, 192 भी सही है। 8 में से 4 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4 और 7 में से 344, 2 दो नहीं 4, सॉरी 8 में से 4 4, 12 में से 8 गया तो 4, 7 में से 8 गलत है। देखो ये टर्म का मतलब 484 गलत हो गया, 24 दो 48 दो 96 दो 192 बन रहा था, 484 गलत है। डीएस का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर को क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ, बाद में बनूंगा एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लेता हूँ कि कुछ स्पीड बात से कुछ क्वेश्चन है कि, मतलब डीएस वाले क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दो। 10 से 14 मेरा डीए है, ठीक है। 15 में क्या है, अर्थमेटिक है, 16 अर्थमेटिक, 17 अच्छा ये बनाओ, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 36 और 20 मतलब 720, तो 720 को ब्रेक कर लो, यहाँ पे 2 दूनी 4 दिया 12, 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36 और 2 दूनी 4 और 5 20 है ना, अब मल्टीप्लाई करके मेरे को चाहिए, मतलब इन दोनों को ऐड करके माइनस करके 29 चाहिए, 5 दिया 15 दिया 45, 2 दूनी 4 में 16 मतलब प्लस का 45 और माइनस का 16, जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव वाला नेगेटिव 20 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है रुक जाओ अभी। 18 दिया 54 और 9 और 6 मतलब माइनस 9 और माइनस का 6, इनको 3 से डिवाइड कर दो, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। देखो ये कभी भी करूँगा, ये 45 ये तो पॉजिटिव, ये 45 जो होगा ये 2.5 इससे छोटा हो जाएगा, पक्की बात है, और ये पॉजिटिव मतलब ये बड़ा हो जाएगा, तो एक बार x बड़ा और एक बार x छोटा, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये क्या क्वेश्चन है, अच्छा इसमें निकालो, मल्टीप्लाई करके चाहिए 48 दूनी 96 और 12 अठे 96 तो 12 और 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 और 4 ये आ रहा है, ठीक है। लार्जर रूट प्लस स्मॉल रूट, नो नहीं तो नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस बिटवीन लार्जर एंड स्मॉल रूट 6.9 नहीं है, नहीं। देखो मल्टीप्लाई करके इतना चाहिए 76 चाहिए, 19 और 4 इसमें देखो क्या क्या बन रहा है, स्मॉल रूट इज 10 नहीं, 6 और 9, डिफरेंस बिटवीन लार्जर एंड स्मॉल रूट इज 6.9, ये भी नहीं बन रहा यार, क्या ही आंसर है। सी का एफ, अच्छा सी का एफ, ए का एफ तो नहीं है, छोटा अंगूल 10.3 है, 48 दूनी 96 12 अठे 96 64 नहीं बन रहा, सी का एफ ही मेरे को लगता है कुछ तो बनेगा यार, इसको एक मिनट छोड़ो, सी का एफ देख लेते तो बना नहीं, क्या 72 दूनी 144 12 दो से डिवाइड करो, 2 6 और 6 मेरे को इसमें नन ऑफ दीज दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नन ऑफ देम करके मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है देख लेंगे बाद में। कितना है मल्टीप्लाई करके 46 23 और 2, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, ये 23 और 23 बन जाएगा, 23 23 बराबर है 2, 23 से छोटा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, तो क्या बोल रहा है, इतना इतना डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस इतना है, मतलब अगर एक्स का 9/10 किया फिर 15% मतलब 85, 17/20 करेगा और 80 मतलब 4/5 करेगा और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 6120 के बराबर है, डायरेक्ट काटने की कोशिश करता हूँ, 17 51 17 6 102 360 9 4 36 10 20 5 100 10,000 कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 50% लेस देन द मार्क प्राइस, अच्छा इसका 50% मतलब 5,000 कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहे 5,000 ठीक है अर्थमेटिक बढ़ते चलो। ग्यारह का 8 × 88 प्लस का 19 × 6 = 114 तो एक और ये कितना है 49 का 50% ये ना सॉरी 68 64 का 50% करूँगा तो 32 ये इधर है, पहले देख लो 8 4 12 11 19 1 20 202 में से 32 अगर माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा 172 170 ठीक है, इधर कितने 5 और 4 20 4 5 20 तो 150 कितने 180 का 45% तो 45 18 5 90 18 4 72 9 81
प्लस ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इधर भी एक्स मान लेता हूँ इसको भी मैं, 60% ऑफ 310 तो 6 कम 6 186 प्लस 60% ऑफ 100 तो 100 60, 6 6 12 6 18 6 24 246 में से 81 माइनस कर दो, 6 में से गया 5, 24 में से 8 गया तो 16 165, मतलब 150 का 110% क्या खुल रहा है भाई, डीआई है बनने वाला डीआई, तो 26 से 30 तो छोड़ देता हूँ अभी मैं, पहले सिंप्लीफिकेशन 31 से 35 होगा, ये कहीं ऐसा ना हो कि छोड़ते छोड़ते टाइम निकल जाए, 34 35 है कुछ और, 7x 36 37 मार फॉर रिव्यू कर दो, 38 39 40 कुछ नहीं है, मतलब दो ही सिंप्लीफिकेशन थी, आप कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले डी ए उठा ले, तो ये वाला मेरे को आसान सा लग रहा था, ये क्या क्या डेटा है, ए बी सी डी में नंबर ऑफ बाथ शॉप नंबर ऑफ राउंडेड शॉप, ओके ए बी सी और डी, ठीक है क्या है, बाथ सोप लॉन्ड्री और किचन, क्या है 10 20 30 40 50 करके ये बाथ सोप वाला क्या, ये बोलेगा 110 120 120, फिर कितना चलेगा 150, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे कितना डेटा बच गया 80, और फिर ऊपर चला गया 160, 80 और 160, फिर ये वाला 90 लॉन्ड्री वाला है 90, फिर 120 100 और ये कितना अपने पास है 80, ठीक है अब ये देखिए कितना है 80 किचन में 80, फिर किचन से सीधा ऊपर चला गया तो 160, फिर नीचे आया तो 120 और फिर 100 पे आ गया, ठीक है ये डेटा अपने पास है। अब देख लो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ लॉन्ड्री शॉप एंड किचन शॉप सोल्ड बाय सी, सी में 110 100 और 220, ये पूछ रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाथ शॉप लॉन्ड्री एंड किचन इज 25 10 15 12, डी का 25, 160 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो कितना, 16 85 4000 4000, 80 को 10 से करोगे तो 800 और 12 को 1200, 12 8 20 6000 का टोटल उसने बेचा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नंबर ऑफ बाथ शॉप एंड नंबर ऑफ किचन शॉप सोल्ड बाय ए, बाथ शॉप और किचन शॉप 200 है एंड किचन एंड द नंबर ऑफ किचन शॉप सोल्ड बाय बी 160, 40 का डिफरेंस है। इफ द नंबर ऑफ बाथ शॉप सोल्ड बाय ई इज 20% मोर देन एवरेज ऑफ बाथ शॉप सोल्ड बाय बी एंड सी, 150 और 80 का 230 का एवरेज करूंगा तो 115 का 20% ज्यादा 11.5 मतलब 23, 115 प्लस का 23 138, कोई पूछ रहा है 138 ही पूछ रहा है। नंबर ऑफ लॉन्ड्री शॉप सोल्ड बाय ए, लॉन्ड्री शॉप सोल्ड बाय ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ द शॉप सोल्ड बाय, 120 का कितना परसेंट है, 75% है, 30 का 3 गुना 30 का 4 गुना, ठीक है भाई ये तो बन गया। इसमें क्या बोल रहा है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक 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 1.5 लाख है ये भी है। नंबर टेबल गिवन बिलो शोस द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंसिल टिकट 20 18 15 22 17, ठीक है जी द टिकट कैंसिल बिफोर 12, ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ, तो क्या बोल रहा है टिकट कैंसिल बिफोर 12 घंटे, मतलब अगर 12 घंटे से पहले टिकट को कैंसिल करेगा तो 100% रिफंड देना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 6 से 11 घंटे के बीच करेगा तो 50%, ठीक है, और बिलो 6 घंटे करेगा तो मतलब कितना देना पड़ेगा, मोर देन यहाँ पे मतलब 0 रुपये, मतलब 0 रुपये उसको मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे 15 1.5 लाख है, एक बात बताओ ए का अगर 1.5 लाख है तो मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 का 20 गुना 30,000, बी का कितना चला जाएगा 15 33,000, सी का कितना चला जाएगा 15 8 270 27,000, 15,000 का 37,500,
डी का, ई का 15 15 225, 22,500 ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ मूवी टिकट इज 250 पर पर्सन फॉर मूवी ए एंड ऑल्सो गिवन दैट ऑल कैंसिल टिकट बिफोर 2 घंटे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मूवी। अच्छा, मतलब 2 घंटे पहले मतलब किसी भी टिकट का रिफंड नहीं होगा, किसका है, बी का, ए का है ना, ए का 250 से करूंगा तो 25 का 12 गुना 300 मतलब 120 टिकट सोल्ड हुई थी। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच मूवी टिकट फॉर रुपीज बी इज 200 रुपए, ठीक है, एंड 175 टिकट्स आर सोल्ड फॉर मूवी बी एंड ऑल्सो गिवन दैट नो टिकट वर कैंसल्ड ऑफ 50% पेमेंट रिफंड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट विच इज कैंसल्ड बिफोर 6। अच्छा, अगर एक बार बताओ, 200 रुपए टिकट का प्राइस था और 175 टिकट बिकी थी, तो 2 × 5 = 10, 35,000 की टिकट बिकी होगी टोटल, लेकिन बी में टिकट कितनी, 2000 कम है, तो 2000 कम बोला 50% में तो एक भी टिकट नहीं बिका, या तो 0 टिकट वाला होगा या फिर 100% रिफंड होगा। तो अगर 2000 रुपए तो 100% वाला ही रिफंड होगा ना, तो एक टिकट की दाम अगर 200 रुपए थी तो 100 रुपए मतलब 10 टिकट यहाँ से रिफंड हुई। टोटल टिकट रिफंड कितनी हुई है इसमें बी में, तो बी में टोटल टिकट रिफंड हुई 18, जिसमें से तो पूछ क्या रहे कि 6 घंटे से कम वाले में तो 8 टिकट होंगे। ए प्राइस ऑफ टिकट्स ऑफ मूवी डी इज 400 रुपए एंड ऑल्सो गिवन दैट देर आर नो कैंसल टिकट फॉर मूवी डी, देन द टोटल रेवेन्यू ऑफ मूवी डी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द रेवेन्यू फ्रॉम ई। अच्छा, डी में 400 है, डी की रेवेन्यू कितनी है, डी की रेवेन्यू 37,500, ये बात समझ में आ गई। और डी में टिकट कैंसल्ड कितनी हुई है, 22। अब देखो, अगर 37,500 तो उसके उसके पास पैसा है, और क्या बोल रहा है, 22 टिकट मतलब 8,800 रुपए तो उसको और मिल सकते थे अगर रिफंड नहीं होता, तो ये बोल रहा 8,800 उसके और आ सकते थे, कितना, 0 0 8 5 13 37 8 45 146 मतलब 46,300 रुपए की उसकी टिकट बिकती। पूछ रहे कि ए से कितना ज्यादा है, 3,000 16,300 ज्यादा है, 3 × 5 = 15 1 + 3 = 12 54 के सम पॉइंट समथिंग जाएगा, तो एक ही है 54.33 का। रेवेन्यू फ्रॉम मूवी ए एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन सी एंड डी टुगेदर। ए और डी टुगेदर कौन सा है, ए और ई, मतलब 45 सी और ई के, सी और ई मतलब 18 और 15 33 के 12 मोर और लेस देन 20 25 18 और 5 3 33 तो 12 × 33 3 × 4 = 400/11 ठीक है। एक बार ना थोड़ा सा डेटा सफिशियंसी और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से बन रहा है। डेटा सफिशियंसी अपने पास था यहाँ पे 37 से। हाउ मच अमाउंट राजेश विल गेट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। राहुल इन्वेस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड रिसीव्स अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 31,000 मतलब अच्छा अमाउंट मिल रहा है, क्या मुझे यहाँ से प्रिंसिपल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा इसमें टाइम पीरियड के बारे में बात है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो अच्छा इसमें इसमें देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ से निकल जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, मतलब बोथ आ जाएगा ए और ई, थर्टी एट क्या बोल रहे अपने को, इन अ स्कूल 50% ऑफ द गर्ल्स एज्ड 15 एंड अबव प्ले वॉलीबॉल्स बास्केटबॉल एंड द नॉर्मल गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। इन स्कूल गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज बास्केटबॉल, ठीक है। इन स्कूल देर आर नो गर्ल्स बिलो 15, एक बार तो इसमें से नंबर मिल ही नहीं रहा ना कहीं से, ना तो इससे नंबर मिलेगा एग्जैक्ट नंबर ना इससे, मतलब दोनों में से कोई भी सफिशियंट नहीं है आंसर करने के लिए। द डेटा आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, 39 क्या बोल रहे हैं,
फाइंड द एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड नंबर इज 25, मतलब कितना, 52 को 2 से डिवाइड करो, 26, 25 और 27 है पहला और दूसरा नंबर, इससे तो पता चल सकता है कि मेरे को 25, 27, 29, 31, 33 आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड सेकंड नंबर इज 2, ऑब्वियसली बात है दो का ही डिफरेंस होगा हमेशा, बट क्या नंबर है पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक से पता चल रहा है। After 10 years, what will be the sum of the ages of Rohit and his father? Rohit और उसके father की age का sum कितना होगा 10 साल के बाद, ठीक है? 15 years ago, Rohit was 24 years younger than his father. अच्छा, अपने पिताजी से 24 साल छोटा था। Present age में 2-5 मतलब 3 के बराबर 24, दोनों की ही जरूरत पड़ सकती है। To be answered question. ठीक है, तुमने कुछ करा था ना, टेक करा था। एक डीए है कैसलेट, उसको भी अटेम्प्ट कर लें क्या? चलो फिलहाल इधर देखो। द स्पीड ऑफ 800 मीटर लॉन्ग राजधानी एक्सप्रेस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ट्रक। अच्छा, मान लो ट्रक अगर एक्स है तो मैं इसको एक्स प्लस 10 मान लेता हूँ, ठीक है। एंड द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द ट्रक कैन क्रॉस राजधानी मेडिकल इन 2 मिनट्स। राजधानी एक्सप्रेस नेग्लेक्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ओके, मतलब ट्रक का लेंथ कुछ नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये दोनों जाएगा तो 2x प्लस 10 की स्पीड से जाएगा, 2x प्लस 10 की स्पीड से जाएगा किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। टोटल डिस्टेंस तो सिर्फ इतना ही जाएगा 800 का, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड में कवर करेगा, ठीक है। कुछ कर ले तो कट, 9, 4, 2, 3, 6, 18, 3, 40, 40 से 20 गुना, 5 का 4 गुना, 6 का 4 गुना, 24, 2x के बराबर कितना, 24 में से 10 गए तो 14, 2x के बराबर 14, x के बराबर 7, ठीक है। तो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, ट्रक से ज्यादा है, कितना 10, 17 हो जाएगा। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रक व्हेन इट इज इंक्रीज 75%, 7 का 175% करना है, मतलब 7/5 करना है, 4/7 करना है, 49/4 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, दैट मींस क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आर। इसमें क्या, प्रभाकर सूरज दीपक अंड प्रूफ 36,000, सूरज इतना इन्वेस्ट कर रहा है और दीपक कर रहा है 25,000, ठीक है। ये प्रभाकर इन्वेस्ट 5,000 लेस देन सूरज, प्रभाकर कितना कर रहा है 15,000 करेगा, हाउ मच प्रॉफिट प्रभाकर अंड, अच्छा 15,000 है, तो एक बार जरा चेक करो कि 5 का 4 गुना 5 का 5 गुना 4 5 9 3 12 12 36 तो 3 3 9, प्रभाकर को यहाँ से तो मिलेगा 9,000। प्रभाकर एंड सूरज इन्वेस्टेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ ₹20,000, अच्छा मतलब ये भी मान लो, फिर इनका रेशियो क्या होता है 5 का 4 5 और 4। अच्छा 5 4 9 4 13 13 3 9 40 4 3 12, मतलब इस बार इसको कितना 12,000 मिलता, तो क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 हो जाएगा इसमें, 10 से 14 बन चुका है, 10 14। अच्छा एक डी और है यार 5 नंबर का, ये क्यों नहीं बना रहा था, क्या है इसमें, टोटल फ्रूट्स फ्रूटल मैंगो एलिमेंट बेच रहे फॉल्सो सुन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक। अच्छा देखो टोटल इतना था, परसेंटेज ऑफ फ्रूट अनसोल्ड, अनसोल्ड कितने रहेगा 200 अनसोल्ड रहे तो 200 सोल्ड हुए होंगे, ये मैं अनसोल्ड रख रहा हूँ और ये सोल्ड रख रहा हूँ, ठीक है। 25% अगर अनसोल्ड रह गए तो 150 अनसोल्ड हो गए तो 450 सोल्ड हुए होंगे, 40% मतलब 320 तो 480 सोल्ड हुए होंगे, जिसमें से एप्पल इतना है तो मैंगो मेरा निकल नहीं जाएगा, 150 मैंगो यहाँ से भी क्योंगे 260 यहाँ से भी क्योंगे और 400 यहाँ से भी क्योंगे। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय वेंडर एम एंड एंड, तो 260 प्लस का 460 एंड टोटल एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय एल, एल ने टोटल कितने बजे 400 जीरो, कितने से करो 200 बढ़ा दो, टोटल नंबर फ्रूट्स 233 और 20 क्यों आ रहा है ही नहीं, कंट्रोल से मैंगो सोल्ड एंड वेंडर, चार दो 660 टोटल में फ्रूट सोल्ड, अच्छा फ्रूट सोल्ड है मतलब 200 है ना, 33:10, ये क्या भाई साहब, रुको आगे देखते हैं।
नहीं होना चाहिए तो ये क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स अनसोल्ड फ्रूट्स एप्पल एंड मैंगो बाय वेंडर एम एंड एन एक्स इज 870, मतलब 290 तो 870 ये हो जाएगा, देन द टोटल नंबर ऑफ मैंग अनसोल्ड एप्पल एक्स 24, पहले तो देखो एम और एन कितना अनसोल्ड कितना है, एम और एन है 370 तो 400 इधर है, जिसमें से 124 एप्पल है तो 124 276 The total number of mangoes sold by all three vendor is what percentage of total number of available fruits by Apple? Mangoes sold. तो भैया 0, 6, 5, 11, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 10, 8, 6, 14, 4, 18, 18, 6, 4, 4, 18, 85, 45%. If vendor Y sold 70% more mangoes than L, 70% मोर मैंगो देन एल, एल से 70% ज्यादा, 15 × 7 = 105 तो 255 एल, एंड द एप्पल सोल्ड बाय वाई इज 66.66% ऑफ द टोटल नंबर, अच्छा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 16, 3 × 2 = 7, 765 टोटल, 3 × 5 = 16, 3 × 2 = 7, 765 है कि नहीं ऑप्शन में, ठीक है जी एक बार इसको अटेम्प्ट करूं क्या, बाद में ऐसा हो कि ना बने, PQR started business with 219 R&S PQR invested, ठीक 2:3 respective one year ठीक है जी, एक बार इसको मैं ट्राई करता हूं यहां पे बनाने की, PQRS है ना, P Q R और S, सबसे पहले देखो कि बोल रहा है कि R ने 8000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, पी और क्यू ने कितना किया 2x किया होगा और इसने 3x किया होगा, ठीक है यहाँ तक, वन ईयर लेटर पी इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट बाय 50%, इसने एक साल तक लगाया 50% मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है, एंड एस ज्वाइन देम बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 150% मोर देन दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर, इसका 8000 + 16000 + 4000 = 20000 ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर वन मोर ईयर मतलब 2 साल क्यू एंड आर इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट, मतलब ये 2 साल के लिए है, फिर ये 3.6 हो जाएगा 20% कर रहे हैं तो एक्स, और ये कितना हो जाएगा 8000 और इसने 25% बढ़ा दिया, मतलब इसने 2 साल तक तो ये लगाया होगा और 25% मतलब 10000 ये कर दिया होगा इसका, ठीक है जी, वन मोर ईयर, अच्छा कितने साल है, वन मोर ईयर क्यू इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट 4000, मतलब इसने 1 साल तक ये लगाया फिर इसने 3.6x प्लस का 4000 लगा दिया, ये कर दिया, वेयर आर विड्रो, अच्छा इसने भाई साहब ने 1 महीने 1 साल के लिए ये लगाया और फिर इसने 1000 कम कर लिया मतलब 9000 ये कर लिया इसने एट द एंड ऑफ 2022, तो सीधी सीधी 22 बात है कि इसने टोटल 3 साल के लिए लगाया, ठीक है, अब जरा एक बार इन्वेस्टमेंट चेक कर लो, 11, 14, 7, 12 में इसने देखो 2 × 1 = 2 और इसने फिर 3 साल के लिए लगाया, 3×3 = 9, 11x, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, इसका इन्वेस्टमेंट है 11x, अगर इसका इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 7×3 = 9 × 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 3×6 = 13.2x प्लस का 4000 इसका इन्वेस्टमेंट है, 8×16 = 10, 26, 9, 35000 इसका इन्वेस्टमेंट है और 60000 इसका इन्वेस्टमेंट है, अब एक बात बताओ यहां पे देखो क्या बोल रहा है, 11, 14, 7, 12 में 7 यूनिट के बराबर 35000 और 12 यूनिट के बराबर 60000, मतलब 1 यूनिट के बराबर मेरे पास 5000 की वैल्यू है, ठीक है, मतलब x की बराबर मेरे को क्या निकल गया 5000, अब मेरे से पूछ क्या गया क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय p एंड q, p और q, p का 2x और 3x, x का डिफरेंस है 5000 का डिफरेंस है, s इन्वेस्टेड, इफ s इन्वेस्टेड 2y + 30000, अच्छा एट द सिंपल इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर 2 साल का, मतलब 40% का इंटरेस्ट तो चाहिए होगा, वाई की वैल्यू क्या है हाफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी, मतलब 10000 मतलब 5000, 10000 40000 का 40% कर दो 16000, रुको बाद में बनेंगे, फाइंड द एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द ऑल द फोर पार्टनर्स, एवरेज इनिशियल ये कितना है 10, ये कितना है 15, 15, 10, 25, 8, 33, 33, 43 और 53, 53000 को 4 से डिवाइड कर दो,
चार एकम चार, चार बारह चौका अड़तालीस, तेरह चौका बावन, 13,250। क्या बोल रहे आफ्टर After 2 years from the starting of the business, another partner T joined them by investing P and Q together. Sorry, P and Q together. अच्छा. P T join करने के तहत 2 साल बाद joined them investing the same amount as P and Q together. Had invested initially. अच्छा 15 और 10 25 का 2 साल 50. यार इसको स्क्रॉल कुछ क्वेश्चन और देख लो, इससे अच्छा छोटा क्वेश्चन देख लेता हूँ कुछ, ये तो नहीं बनाएगा यार, क्या क्या छोड़ रखा है, क्या बोला ए एंड बी 3:4 है, एज ऑफ सी इज बी द परसेंटेज ऑफ एवरेज ऑफ ए एन, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 70% ऑफ द सी, 4 3 7 मतलब 70% है, मतलब 3.5 तो सी के बराबर 5 है, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर्स मोर देन, इतना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी, ट्वाइस द प्रेजेंट एज करके दिया हुआ है, अच्छा एक बार बताओ, ए का प्रेजेंट एज 6x हो जाएगा, ठीक है, इसमें से बोला कि 4 × 4 4x + 4 6 − 4 2x, 2x प्लस का 4 करूंगा 14 से कम करके, फाइंड द 2x 14 का 6x − 4 2x बचेगा x के बराबर, 14 में से 4 के 10, 5 बच जाएगा, और सॉरी 9 9 3 27 पूछ क्या रहे, फाइंड द एवरेज डिफरेंस ये 2 ईयर्स बिफोर, तो मतलब 27 25 हो जाएगा, एंड एज ऑफ सी 6 ईयर्स मतलब 9 5 45 6 51 26 साल का, ठीक 21 22 नहीं बनेगा, चलो देखते हैं कितने अटेम्प्ट हो पाए, टोटल अटेम्प्ट हमने करे कितने, देखो यहाँ से सिर्फ क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट किया तो इसलिए कम आपको दिख रहा होगा परसेंटेज, बट यहाँ पे क्वांट का चेक करते हैं, देखो क्वांट में हमने लिया 29.4 इतना मिनट मतलब 30 मिनट, 31 अटेम्प्ट किया और 38.75, आपको पता है कि 1.25 का एक क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पे, तो ये था मेरा स्कोर क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड का, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आउट ऑफ ये 50 नंबर का होता है आपको पता होना चाहिए, आउट ऑफ 50 आपका 38.75 है, तो और क्वेश्चन बन सकते थे बट सेक्शनल टाइमिंग की वजह से, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे 40 मिनट के आसपास में ना आपका क्वांट रीजनिंग सॉरी आपका लैंग्वेज वाला पेपर कंप्यूटर और जो आपका क्या होता था जीए 30-40 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इट ज़्यादा टाइम दे पाते थे, अभी सेक्शनल टाइमिंग है तो एक अपर लिमिट सेट होगा स्टूडेंट्स में, तो आपने इस मॉक टेस्ट में क्वांट में कितना अटेम्प्ट किया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपका लिंक पेन है टेस्ट बुक की पास प्रो का, जाके परचेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा सेशन, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।